हेलो दोस्तों, आज हम सीखें प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। इसको कौन सा बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल कैसे टेंस होता है दोस्तों? देखिए, प्रेजेंट टेंस में होता है वाक्य के अंत में ता है ना, ती है और ते है, ऐसे आते हैं, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। और प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या है? जैसे राम घर जाता है तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस घर जाता है, ऐसे ना, तो सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या आता है? वर्ब। राम गोज़ टू होम, क्या बनेगा? राम गोज़ टू होम। तो इसकी जो वर्ब, जो क्रिया होती है, इसमें क्या एस, तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, ठीक है, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, राम सब्जेक्ट करता क्या है? राम। अब गोस जाने के लिए कौन सी क्रिया होगी? गो, जी ओ, इसके साथ में लगेगा ई एस, राम गोस टू होम। राम कहाँ जाता है? घर जाता है, राम गोस टू होम। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वह घर जाती है, कौन जाती है? लड़की। तो महिला इसके लिए क्या आएगा? शी, शी गोस टू होम, शी गोज टू होम, वह घर जाती है। अगला सेंटेंस देखिए, लड़का स्कूल जाता है, अब कौन जाता है? लड़का। तो लड़का में क्या आएगा? द बॉय, द बॉय। अब ए के, इसलिए गोज, गोज टू स्कूल, सी एच डबल ओ एल, लड़का कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। अगला देखिए, वह उज्जैन जाती है, तो वह कौन है? लड़की है ना, जाती रखा, तो शी, शी गोज टू उज्जैन, और उज्जैन किसी शहर का नाम है, इसलिए यू डबल जे ए आई एन, ये कैपिटल में आएगा, उज्जैन क्या आएगा? कैपिटल। अगला है, वे पत्र लिखते हैं, तो वे के लिए कौन सा शब्द है? दे, दे। अब पत्र लिखते हैं, दे राइट्स, राइट W R I T E। अब दे राइट, इसमें एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा, ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा। दे राइट ए लेटर, दे राइट ए, दे राइट लेटर, L E डबल T E R, दे राइट लेटर, इसमें राइट एस या ई एस नहीं लगेगा। अगला देखिए, राम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम में क्या आएगा? वी, वी, वी प्ले, पी एल ए वाई, वी प्ले क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो जाते हैं। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं और रहे हैं, ऐसे आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या होता है? देखिए, इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इस या आर या एम प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है इसका। तो राम, राम अब एक है इसलिए इज लगेगा, राम इज, अब जाने के लिए कौन सी क्रिया? गो, इसमें क्या लगेगा? आई एन जी, राम इज गोइंग टू होम, कहाँ जा रहा है? घर, राम इज गोइंग टू होम, ऐसे। अब वह स्कूल जा रहा है, तो वह के लिए क्या आएगा? ही, ही एक है इसलिए इज, इज गोइंग, गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, अब लड़का एक से अधिक है, तो इसमें क्या आएगा? द, द बॉयस, अब बॉयस यहाँ ए बहुवचन हो गया इसलिए आर, द बॉयस आर प्लेइंग, वाई आई एन जी फुटबॉल, बी ए डबल एफ
द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब तुम भोपाल जा रहे हो, तुम, तो तुम के लिए क्या आएगा, यू, वाई ओ यू। अब यू बहुवचन है इसलिए आर, ए आर ई। यू आर गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग टू। अब कहाँ जा रहे हैं, भोपाल, तो यहाँ बी कैपिटल आएगा, बी एच ओ पी ए एल, यू आर गोइंग टू भोपाल। अब लड़कियाँ गीत गा रही है, तो लड़कियाँ, लड़कियाँ मतलब एक से अधिक है, तो द, देखिए तो गर्ल्स, जी आई आर एल एस, द गर्ल्स आर सिंगिंग, सिंगिंग आई एन जी सिंगिंग सॉन्ग, द गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग। हम पत्र लिख रहे हैं, तो हम के लिए क्या आएगा, वी, वी आर, वी आर राइटिंग, डब्ल्यू आर आई टी और आई एन जी, राइटिंग लेटर, ई डबल टी ई आर, वी आर राइटिंग लेटर। ठीक है, इस तरीके से अपन सेंटेंस को बनाते रहेंगे। वह पानी पी रही है, तो वह कौन पी रही, मतलब कौन पी रही, लड़की या महिला, तो महिला के लिए क्या आएगा, सी, सी के साथ में इस, सी इज ड्रिंकिंग, पीने के लिए क्या आएगा, ड्रिंक, डी आर आई एन के आई एन जी, ड्रिंकिंग। अब क्या पी रही, पानी, तो वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, इस तरह से पानी पी रही, दूध पी रही, चाय पी रही, है ना, इस तरह से इसका वाक्य अपन बना सकते हैं बड़े आसान से। नेक्स्ट टेंशन देखिए, वह दूध पी रही है, पी रही है, तो कौन, महिला, तो फिर अच्छी आएगा, शी इज ड्रिंकिंग, के आई एन जी, ड्रिंकिंग। अब क्या पी रही, दूध पी रही, तो मिल्क, एम आई एल के, मिल्क है ना, दूध। फिर आ गया मनीषा चाय पी रही है, अब मनीषा चाय पी रही है, तो मनीषा कैपिटल अक्षर आएगा, है, एम ए एन आई एस एच ए, मनीषा इज ड्रिंकिंग टी, चाय की स्पेलिंग है टी ई ए टी एन, चाय। मैं नाच रही हूँ, अब मैं के लिए क्या आएगा, आई, मैं के लिए कौन सा शब्द, आई, आई के साथ पे एम लगेगा, आई एम डांसिंग, डी ए एन सी आई जी, आई एम डांसिंग। रानू खाना बना रही है, तो रानू, देखो आर ए एन यू, रानू इज कुकिंग, सी डबल ओ के आई एन जी, रानू इज कुकिंग। आज वर्षा हो रही है, तो आज, टुडे इज, इट इज रेनिंग टुडे, देखो इट इज रेनिंग, आर ए आई एन आई एन जी, इट इज रेनिंग टुडे, टी ओ डी ए वाई, इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बड़े आसानी से अपन सीख गए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए अपने वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।